साउथ इंडियन फूड के बारे में सोचते ही सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो होती है सांभर। और आपको पता है वो क्या चीज़ है जो सांभर में जान डाल देती है, या यूं कहें जिसके बिना सांभर अधूरी है? वो है सांभर मसाला। साउथ में सांभर मसाले की हर घर की अपनी एक अलग रेसिपी है, और मार्केट में भी अगर आप देखें हर ब्रांड के सांभर मसाले का एक अलग टेस्ट है। सांभर मसाला सांभर का वो की इंग्रेडिएंट है जिसमें थोड़ा बहुत भी अगर चेंज कर दिया जाए तो सांभर का टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। तो आज जो मैं आपके साथ में सांभर मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो एकदम परफेक्ट रेसिपी है, जिसको कई बारी मैंने सांभर में यूज़ करके देखा है और नोटिस किया है कि उस मसाले का अरोमा और टेस्ट सांभर के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। तो चलिए आज वही सांभर मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंडियन जायका में। तो सांभर मसाला बनाने के लिए एक पैन में लेंगे 4 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच उड़द दाल, 3 चम्मच चना दाल, 1/2 चम्मच दाना मेथी, 1 चम्मच काली मिर्च, 3-4 सूखी लाल मिर्च, पिंच ऑफ हींग। अब इन मसालों को लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। ये ध्यान रखें कि मसालों को हमेशा लो फ्लेम पर ही भुनना चाहिए। इन्हें 5-6 मिनट तक हम भुनेंगे लो फ्लेम पर, ताकि उनका मॉइस्चर निकल जाए और वो पूरी तरह से रोस्ट भी हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो जलने नहीं चाहिए। अब जब मसाले भुन जाएंगे तो उनमें से एक अलग सी खुशबू आने लगती है और वही खाने के जायके को बढ़ाती है। कितनी क्वांटिटी में आपने मसाला डाला है उससे भी टेस्ट में बहुत फर्क पड़ता है। बस फिर अब जब मसाले भुन जाएं तो गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर है, अगर पहले डालते तो जल सकता है, इसलिए गैस बंद करने के बाद में हम डालेंगे। और इसे भी क्योंकि कढ़ाई गर्म है मसालों के साथ अगर मिक्स कर देंगे तो कोकोनट पाउडर भी हल्का हल्का सा भुन जाएगा। अब फिर मसाले जब पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब इन मसालों को ग्राइंडर जार में डालेंगे और बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो सांभर मसाला बनकर के तैयार है। इसे आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी सांभर बनाएं इस मसाले को काम में ले लें। घर का बना हुआ फ्रेश सांभर मसाला आपके सांभर के टेस्ट को बहुत बढ़ा देगा। तो चलिए इस रेसिपी को ट्राई करें और फिर अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।